हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाणिक स्मार्ट क्लास। और आज हम वापस आए हैं आपके साथ एक नए शॉर्ट वीडियो के साथ। और आज का जो शॉर्ट वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है? सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हम जानते हैं तो सेंटेंस के कुछ एलिमेंट्स रहते हैं जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अभी प्रेडिकेट मतलब वहां पे वर्ब बन गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, और थोड़ा ऊपर यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल्स, ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं। तो सर ये क्या है, ये टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आज हम आपके साथ वही बहुत ही आसान तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो बिना समय गवाए, विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मोमेंट, आई होप यू आर हाइप फॉर इट, हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 2 3 हमने जो लिखा है ये बन गया हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर। मतलब जैसे कि मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पे भी एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम उनको एक रेगुलर पैटर्न में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 1 2 3 जो है ये ऐसे ही कुछ पैटर्न है जिसको फॉलो करके हम अंग्रेजी में कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न जो है यहाँ पे आते हैं, ये बन गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहले एक मिनट टाइम लूंगा, जिसके बारे में बात हो रही है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसको कहेंगे सब्जेक्ट का वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब जो कर रहा है उसके मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए जो वर्ड आता है उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। पहला दिमाग में ये तीन रख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है सम बॉयज आर किकिंग द बॉल। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट को जानूंगा, कैसे सवाल पूछता हूँ, हु इज किकिंग द बॉल या फिर हु आर किकिंग द बॉल, हमारा आंसर आ गया सम बॉयज। तो यहाँ पे सम बॉयज बन गए हमारे सब्जेक्ट। अब सम बॉयज क्या कर रहे हैं, सम बॉयज आर किकिंग, तो ये वाला बन गया सब्जेक्ट का वर्ब। सम बॉयज आर किकिंग व्हाट, कौन सा चीज को, ये बन गया बॉल, तो ये बॉल बन गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अगर एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रहता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आएगा। क्लियर हो गया? उसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में चलिए, हु यहाँ पे लिखे हैं सेंटेंस द टीचर इज स्कोल्डिंग यू। सबसे पहले मेरा लॉजिक को फॉलो कीजिएगा आप, हु इज स्कोल्डिंग यू, द टीचर, टीचर बन गया सब्जेक्ट। द टीचर इज डूइंग व्हाट, स्कोल्डिंग। द टीचर इज स्कोल्डिंग होम, किसको स्कोल्ड कर रहा है भाई, यू, यू बन गया आपका ऑब्जेक्ट। फॉलो कर रहे हो मेथोडोलॉजी, ठीक है ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे, हाँ, नॉट वाइस वर्सा। तीसरे में आ जाओ, सेंटेंस लिखा है द गर्ल इज मूविंग द बिग ब्राउन टेबल। मूविंग मतलब क्या कर रहा है, ऐसे पुश कर रहा है, उसका पोजिशन चेंज कर रहा है ये लड़की, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। Who is moving the big brown table? Girl. Girl बन गया subject. The girl is doing what? She is moving. Moving बन गया इसका verb. She is moving what? यहाँ पे बन गया the big brown table. उसको move करता है, तो ये बन गया उसका object. Clear हो गया? I hope you have understood. आसान था ना? अब दूसरा बात आप बताइए, सर आपने तो ये बताया ये तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बोल के हमको कैसे पता चला? अभी ऊपर आपने दो और चीज लिखा है, एक लिखा है कॉम्प्लीमेंट, एक लिखा है एडवर्ब, है कि नहीं? तो यहाँ पे बात ये बनता है, आपने जो वर्ड बताया ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं कि नहीं, हम उसको एडवर्बियल कह सकते हैं नहीं, हम इसको ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। जब हम किसी चीज को, किसी पार्ट ऑफ वर्ड को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब उस सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि द सम बॉयज आर किकिंग द बॉल, इसको पैसिव में हम बना सकते हैं कि नहीं, द बॉल इज बीइंग किक्ड बाय सम बॉयज। तो अगर वर्ब के बाद जो वर्ड है वो एक नाउन हो, प्रोनाउन हो, या नाउन का इक्विवेलेंट हो, अगर हम उस चीज को क्या करें, पैसिव बना सकते हैं, तो वो बन गया ऑब्जेक्ट। ये कैटेगरी है, इसको हमें दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया? ठीक, तो यहाँ पे देखो नोट में वही चीज लिखा है, ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद आने वाला वर्ड जो कि एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एक नाउन फ्रेज हो सकता है, और एक चीज हम उस सेंटेंस को पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलेंगे सेकंड रूल पे, समझ रहे हो? तो सेकंड रूल जो है ये पहले रूल के ऊपर थोड़ा सा एडवांसमेंट है। एडवांसमेंट यानी कैसे, यहाँ पे वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट था, है कि नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो ये क्या बताते हैं, हाँ, सब्जेक्ट वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बन गए, तो ये थोड़ा सेकंड स्ट्रक्चर है।
तो इसको भी पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट को कैसे जाने, सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आई बॉट माई फ्रेंड ए रिस्ट वॉच, इसका मतलब है मैंने अपने दोस्त के लिए एक रिस्ट वॉच लाया, खरीद के लाया, ऐसा लिखा है। तो सब्जेक्ट हू बॉट, आई बॉट, आई बन गया सब्जेक्ट। आई डिड वॉट, आई ब्रॉट, मैं लेके आया। क्या, आई बॉट वॉट, ए रिस्ट वॉच, तो ये रिस्ट वॉच बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, हू गॉट द रिस्ट वॉच, माई ब्रदर, ये बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट जो वर्ड होता है, जो नाउन प्रोनाउन या नाउन का इक्विवेलेंट रहता है, हम उसको हु या व्हाट, इन सम केसेस हुम, इन तीनों वर्ड से प्रश्न करने से जो आंसर आता है ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे में देखो, सेकंड एग्जांपल है, आसान है मेरे को लग रहा है, ऐसा आपके दिमाग में जा रहा है सीधा। डेविड सेंड एलेक ए पार्सल, हिंदी में समझिए इसका अनुवाद, डेविड ने एक पार्सल एलेक को सेंड किया, ऐसा उसका एक जनरल मीनिंग है। चलो सब्जेक्ट ढूंढते हैं, हु सेंड ए पार्सल, डेविड, डेविड डिड व्हाट, सेंड, वर्ब बन गया, सेंड व्हाट, ए पार्सल, हु गॉट द पार्सल, एलेक, एलेक बन गया इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, है कि नहीं। अगर इस तरह का अपने दिमाग में मैं बनाऊ सेंटेंस तो कैसे बनाऊंगा, अभी मैं बनाऊंगा, मैंने अपने सिस्टर के लिए कुछ फूल भेजे या फिर लेके आया हूं, तो ऐसे आई गॉट माय सिस्टर, समझो, सम फ्लावर्स, खत्म। तो यहां पे देखो, हु गॉट द सम फ्लावर्स, आई बन गया सब्जेक्ट, आई डिड व्हाट, आई गॉट, वर्ब बन गया, आई गॉट व्हाट, सम फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट बन गया, आई गॉट सम फ्लावर्स, हु गॉट द फ्लावर्स, माय सिस्टर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, हाँ, मुश्किल तो नहीं हो रहा है ना, नहीं होगा। अब यहां पे नोट देखो क्या एस्टर लिखा है, एक वर्ब जिसके साथ बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उसे बोलेंगे एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी, वर्ब में ट्रांजिटिविटी का कॉन्सेप्ट है। अगर ये वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है उसको बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब, अगर ये वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है उसको बोलेंगे मोनोट्रांजिटिव वर्ब, दो ऑब्जेक्ट हैं डाईट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो मोनोट्रांजिटिव ट्रांजिटिव है ये एक्चुअली ट्रांजिटिव वर्ब के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। एक वर्ब है जिसको हम ट्रांजिटिव मैनर में भी यूज कर सकते हैं, इनट्रांजिटिव मैनर में भी यूज कर सकते हैं, उसको बोलेंगे एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब, खत्म, है कि नहीं, बस इतना है। अगर एक वर्ब के पास तीन ऑब्जेक्ट हो क्या बोलेंगे, उसे कुछ नहीं बोलेंगे सर, ऐसा वर्ब नहीं होता है, क्लियर, गेट इट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव, हो गया। तो यहां पे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर एक वर्ब के पास बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब तीसरे रूल की तरफ चलेंगे, तीसरे रूल में हमारा मुलाकात होगा इस चीज से जिसको कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अभी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है, नहीं याद रखिए, एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन प्रोनाउन या फिर उसी के जैसे होता है, लेकिन अगर हम कॉम्प्लीमेंट बनाए ना तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है एक नाउन या फिर एक एडजेक्टिव हो सकता है जनरली। और अगर वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लगा है मतलब वो सेंटेंस को पासिव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई ब्रदर इज अ फिलोसोफर, मैंने ऐसा लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पे इज के बाद एक नाउन तो लगा है, तो क्या ये फिलोसोफर ऑब्जेक्ट है, दूसरा टेस्ट करते हैं, हाँ क्या करेंगे, इसको पैसिव बनाएंगे। अभी बनता है क्या इसका पैसिव, फिलोसोफर इज ए माई ब्रदर, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये नाउन होते हुए भी हम सेंटेंस को पैसिव नहीं बना सकते, मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है ना, कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा चीज है जो कि सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है, लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड लिंकिंग वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करता है उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आसान भाषा में अगर यहाँ पे माई ब्रदर इज ए फिलोसोफर, मैं सपोजिंग ए फिलोसोफर लिखूंगा नहीं, माई ब्रदर इज
इतने में रुक गया। अगर मैं इतने में रुक गया तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन पाता है, क्या? तो वी नीड समथिंग टू कंप्लीट द मीनिंग, इसीलिए उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक, जैसे दूसरा एग्जांपल को देखो, मैरी सीम्स अपसेट। अपसेट इज एन एडजेक्टिव। एक कॉम्प्लीमेंट जो है, मैंने जैसे बताया, एक नाउन हो सकता है या फिर एक एडजेक्टिव हो सकता है। अभी इसमें से अपसेट को हटाओ, मैरी सीम्स नहीं आएगा ना, मीनिंग क्लियर नहीं आ रहा है ना। मैरी सीम्स अपसेट, अभी मीनिंग क्लियर हो रहा है, ये बन गया उसका कॉम्प्लीमेंट। इसका हम पैसिव बना सकते हैं, अपसेट सीम्स मैरी, कभी नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में यही तो डिफरेंस है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करेगा, उससे सेंटेंस पैसिव नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव नहीं बन सकता, और हम सेंटेंस को क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, अभी ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला जो है भाई साहब, ये कॉम्प्लीमेंट जो है इसको जनरली हम क्या करेंगे, दो क्लासिफाई करेंगे। जैसे हमने ट्रांजिटिविटी के आधार पे वर्ब को इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और क्या बोला, एम्बी ट्रांजिटिव, फिर ट्रांजिटिव को मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव जैसे हमने कैटेगराइज किया, उसी तरीके से अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट को कैटेगराइज करूं तो यहां पे अगर मैं लिखूं यहां पे कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट के मैं दो कैटेगरी बनाता हूं। आसान भाषा में एक आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक आएगा प्रेडिकेट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, इसको जनरली ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक, तो अभी मैंने क्या बताया आपके साथ, क्या शेयर किया, यही शेयर किया कि जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में एक आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन देगा तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, चलिए समझते हैं। देखो, माई फ्रेंड इज ए फिलोसोफर, हु इज ए फिलोसोफर, माई ब्रदर, तो ये माई ब्रदर क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है कि नहीं, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक, सेकंड में चलिए, मैरी सीम्स अपसेट, हु इज अपसेट, मैरी, तो मैरी क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। आई हर्ड द डॉग बार्किंग, हु इज बार्किंग, मैं भौंक रहा था क्या, नहीं, कुत्ता भौंक रहा था, है ना। तो यहां पे ये डॉग का कॉम्प्लीमेंट बन गया, लेकिन डॉग है क्या, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, चलिए चलेंगे। वैसे उतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है नहीं, एक बार समझ लीजिए आसानी से दिमाग में बैठ जाता है। ठीक, अब देखो यहां पे कॉम्प्लीमेंट के बारे में अपना आरएनडी करके रूल लिखा गया है। क्या लिखा गया है, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एक नाउन एडजेक्टिव हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। क्लियर हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। आप चलिए मिलते हैं एडवर्बियल से। तो ये वाला जो रूल है ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडवर्बियल। देखो एडवर्बियल मतलब ये जो वर्ड है एडवर्बियल, एडवर्ब के तरह जो काम करता है उसको कहते हैं एडवर्बियल। तो अगर ये एडवर्बियल की बात हो रही है, एडवर्बियल मतलब एक एडवर्ब हो सकता है, या फिर एडवर्बियल मतलब एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है जो कि एडवर्ब की तरह काम करता है। ठीक, अभी एडवर्बियल को कैसे पहचाने, स्ट्रक्चर वाइज, अगर एक वर्ड एडवर्ब है तो वो एडवर्बियल होगा, अगर एक वर्ड है, एक प्रीपोजिशन फ्रेज है जो एडवर्ब की तरह काम करता है तो उसको हम क्या बताएंगे, एडवर्बियल बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि सर ये एडवर्ब मतलब कैसे समझे, जो वर्ड टाइम प्लेस मैनर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आइडिया देगा तो उसे हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ही वेंट होम लिखा है कि नहीं, हु वेंट होम, ही मतलब सब्जेक्ट, He did what? He went. ये भर गया verb. He went where? Where मतलब place. Home. तो यहाँ पे home बन गया adverbial. Clear हो गया concept. Second देखो, your new notebook is there. Okay. Whose notebook? Your. What is there? Your notebook. तो ये बन गया subject. Your notebook is where? There. Place बन गया. ठीक. The train has arrived at the station. What has arrived at the station? The train. ये बन गया subject. The train has what? Arrived. Arrived where? At the station. ये तीनों के तीनों देखो adverb of place बन गए. ठीक, अभी अगर मैं adverb of time के बारे में बताऊं तो कैसे आएगा ना, देखो एक second दीजिएगा. हाँ चलो देखो, यहां पे supposing मैं लिखूं ऐसे, my sister arrived today,
तो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हु अराइव टुडे, माय सिस्टर, बन गया सब्जेक्ट। माय सिस्टर डिड व्हाट, शी अराइव, बन गया वर्ब। व्हेन, बन गया टुडे, ये बन गया एडवर्ब। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया, क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका समझ में हो गया कि सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल कॉन्सेप्ट है क्या। तो यहाँ पे एडवर्बियल क्या बता रहा है, एडवर्बियल कैन बी ए नाउन, इट कैन बी एन एडवर्ब और ए प्रीपोजिशनल फ्रेज व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम प्लेस मैनर, जो कि हमने डिस्कशन किया। एडवर्बियल नाउन कैसे बन गया, अगर वो एक जगह को रिप्रेजेंट करता है, इसको कहेंगे फैक्टेटिव ऑब्जेक्ट, ठीक। अभी एडवर्ब ये हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, और एक प्रीपोजिशनल फ्रेज ये देखो एट द स्टेशन, क्लियर हो गया। तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक। अभी ये हो गया हमारा पार्ट टू, ये जो हमारा पार्ट टू है इसको देखिए, हम यहाँ पे किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स है ना, जिनको डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह या फिर डिफरेंट मीनिंग के साथ यूज किया जा सकता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है AIR, ऑल इंडिया रेडियो नहीं, हवा के बारे में बात हो रही है, ठीक। तो AIR, तो एयर का नाउन की तरह अगर यूज करें तो यहाँ पे इसका मतलब बन जाता है एटीट्यूड। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, द सेलिब्रिटीज हैव सो मच एयर्स, है ना, रिया चक्रवर्ती ड्रगी है, एटीट्यूड के बारे में बात हो गई कि नहीं, बस वही वाला। अब सेकंड में देखिए, लेकिन यहाँ पे मैंने एयर्स को वर्ब की तरह यूज किया है, कैसे लिखा है, ही एयर्स हिज क्लॉथ्स, मतलब वो अपने कपड़ों को धूप में सुखा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एयर्स का मतलब होता है ड्राई हिज क्लॉथ्स। तो एयर का दो मीनिंग बन गया, एक नाउन बन गया, एक दूसरा क्या मीनिंग बन गया, वर्ब। उसी कड़ी में चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ, ये वाला वर्ड बन गया एवोव। अब देखो इसके चार पांच एग्जांपल्स हैं, क्यों, क्योंकि एवोव वर्ड एक मल्टीपर्पज वर्ड है, उसको चार डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे, पहले वी गेट अवर ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवोव, तो यहाँ पे एवोव जो है नाउन बनकर बैठे हैं। कैसे पता चला, ना हमें रूल मालूम है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो एक नाउन आता है, है कि नहीं, तो प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो नाउन है, और एवोव तो प्रोनाउन हो नहीं सकता, तो यहाँ पे एवोव बन गया आपका नाउन, ठीक है। नेक्स्ट, द एवोव रूल्स मस्ट बी फॉलोड, यहाँ पे महाशय एडजेक्टिव बनकर बैठे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एक नाउन है, नाउन से पहले जो मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक। तीसरे, गॉड लिव्स वेयर एवोव, यहाँ पे एडवर्ब बनकर बैठे हैं, ठीक। अभी फोर्थ में देखो, मिता स्टूड हाई एवोव द रेस्ट, प्रीपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो एवोव चार एग्जाम्पल आ गया समझ में कि नहीं, जैसे कि नाउन की तरह यूज किया, एडजेक्टिव की तरह यूज किया, एडवर्ब की तरह यूज किया, और यहाँ पे एक प्रीपोजिशन की तरह यूज किया, ठीक। अब चलेंगे तीसरे में, देख लीजिए ये वाला जो वर्ड है, ये वाला होता है बेटर। अब इन भाई साहब को देखिए, ये भी फोर पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले यू शुड रेस्पेक्ट योर बेटर्स, मतलब यू शुड रेस्पेक्ट योर सीनियर्स, इस सेंटेंस में वर्ड यूज हो गया, ये बन गया नाउन। यू शुड बेटर योर रिकॉर्ड, मतलब अपना, यहाँ पे बेटर को हम वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बेटर का मतलब बन गया इम्प्रूव। सर यहाँ पे वर्ब कैसे बना, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है कि नहीं, इसीलिए यू शुड बेटर योर रिकॉर्ड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तीसरे में, यू कैन राइट बेटर, तो यहाँ पे बेटर वर्ड एक वर्ब के बाद यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे ये बन गया क्या, बन गया आपका एडवर्ब, क्लियर। फोर्थ, ही इज ए बेटर सिंगर, सिंगर से पहले बैठे हैं भाई साहब, क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे, क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे बेटर वर्ड जो है, देखिए नाउन वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव चार की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड जो है, ये होता है BACK, यानी बैक। बैक वर्ड को देखिए, पहला एग्जाम्पल दिया है, देयर इज ए बैग ऑन हिज बैक, तो यहाँ पे बैक जो है उसको नाउन की तरह कंसिडर किया गया है। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑन जो है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होता है आइदर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, बैकवर्ड तो प्रोनाउन नहीं है, वो एक नाउन है, इसलिए यहाँ पे बैक जो है नाउन के सेंस में यूज हुआ है, क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, अभी देख लीजिए यहाँ पे देखो, उसका एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, कैन लिव इट बोथ BOTH, तो पहले में बोथ राज एंड प्रदीप आर एब्सेंट, यहाँ पे बोथ एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन दो इक्वल पार्ट ऑफ स्पीच को ज्वाइन करता है, ठीक। अब दूसरे में आ जाइए, बोथ ऑफ देम आर लेजी, यहाँ पे बोथ एक प्रोनाउन बन गया, ठीक है ना, देखो उसके बाद वर्ब है, आई नो बोथ पार्टीज, पार्टीज से पहले बोथ लगाए, मतलब एडजेक्टिव बन गया, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं, सिक्स नंबर वर्ड, ये जो वर्ड है ये होता है BOOK, बुक यानी कि किताब, लेकिन इसके कई सारे यूजेस हैं, जैसे कि प्लीज रीड दिस बुक, बुक तो नाउन है, मैंने टिकट बुक कर लिए हैं वर्ब है,
ठीक है ना, ही डिड नॉट क्लियर हिज बुक डेब्ट्स, ठीक है ना, उनके बुक के जो ऋण है उन्हें अभी खत्म नहीं किए हैं, तो यहाँ पे बुक है एडजेक्टिव हो गया। तो बुक वर्ड को देखिए हमने नाउन वर्ब एडजेक्टिव तीनों की तरह यूज हो गए। ठीक, अब आ गया नंबर 7 पे, यहाँ पे वर्ड है COW काओ। काओ वर्ड में जो है वो नाउन और वर्ब दोनों के हिसाब से यूज हो सकता है। जैसे कि द काओ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, नाउन बन गया। नथिंग कैन काओ मी डाउन, काओ का मतलब होता है क्या, मैं डर गया, लेकिन ऐसा कोई चीज है जो मुझे डरा नहीं सकती, जो मुझे डोमिनेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे काओ एक वर्ब बन गया। ठीक, अब नंबर 8 में आ जाइए, यहाँ पे एक वर्ड है क्लोज। क्लोज वर्ड भी जो है जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह, क्लोज द विंडोज, दरवाजे को बंद करो, वर्ब बन गया कि नहीं। ओके, द मूवी कम्स टू ए क्लोज, मूवी अभी खत्म हो गया है, तो यहाँ पे क्लोज का मतलब क्लोजर के सेंस में आता है, इसका मतलब नाउन बन गया। ठीक, आप चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, देख लीजिए यहाँ पे विजय एंड रमन आर क्लोज फ्रेंड्स, बन गया एडजेक्टिव। द चाइल्ड केप्ट क्लोज टू इट्स मदर, वर्ब के बाद आया है, मतलब यहाँ पे एक एडवर्ब हो गया। ठीक, नंबर 9 में चलिए, वी डिड नॉट एग्री ऑन ए बार्गेन, बार्गेन एक नाउन है, ही बार्गेन्ड वेजिटेबल्स, वर्ब है, इजी है। नंबर 10 में चलिए, काम के बारे में लिखा है, देयर वाज अ काम बिफोर ए स्टॉर्म, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। ठीक है, यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद वर्ब आ गया, द साइकेट्रिस्ट कैन काम द हिस्टोरिकल पेशेंट। ठीक है, तो आज का शॉर्ट वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक्साइटिंग स्टफ में चलेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।